आप चारों लाइक जैसे मैंने पहले देखा था वैसे के वैसे. थैंक यू सर. सो यहाँ हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद उन्होंने अपने वेट का ख्याल नहीं किया, उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं किया, उन्होंने अपने बालों का ख्याल नहीं किया, वो यहाँ बैठे हैं और इनकी भी कुछ कहना है कि हम क्यों नहीं ख्याल रख पाए. मेरे सामने जी बैठे हुए यहाँ पे राना शाफे हैं साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कितने अरसे से आप शादीशुदा हैं? 12 साल. 12 साल. फिर मेरे पास एक खातून यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है नजमा सत्तार. और नजमा के कितने बच्चे हैं और कितने अरसे से आप शादीशुदा हैं? तकरीबन 35 साल. 35 साल. और माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? 8. 8 बच्चे. अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे साथ है फरजाना. और अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं फरजाना? यू आर 38? यस शी इज 38. 38 जो लगता है मुझे कि आजकल कोई ऐसी उम्र ही नहीं है, क्योंकि जब अगर अपना ख्याल रखते हैं तो आप पता ही नहीं चलता कि आप 38. एज इज जस्ट अ नंबर आज के ज़माने में जब खाना पीना और बाकी सब चीज़ों पर. तो अब मैं आपसे पता करूँगी राना साहब, आपकी कोई राना साहब की कोई तस्वीर है कोई ऐसी शादी से पहले? राना साहब आप जब शादी नहीं हुई थी तब भी आपके बाल कम थे, मर्द के लिए एक सबसे बड़े नहीं, नहीं बिल्कुल शादी से पहले टीपू भाई से ज्यादा मेरे बाल थे. अच्छा माशाल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. तो आपकी फैमिली में जीन्स में बाल गिर जाए या no, एकदम बल्की हो जाना? नहीं, मेरे फादर की डेथ हुई है 63 years old. हाँ. जब डेथ हुई है तो उनके बाल थे बिल्कुल. माशाल्लाह. तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत से मसाइल हैं? हाँ. एक तो मतलब शादी के बाद बच्चे. हाँ. फिर मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है ना. हाँ. वो है सेल्स का. ओ, अच्छा. सेल्स का स्ट्रेस होता है बहुत. स्ट्रेस भी है और मेडिसिन कंपनी में मैं मार्टिन डो. अच्छा. में तो उसके अलावा फिर केमिस्ट के पास जा रहे हैं, फिर वो खाने का एहतियात नहीं, चाय समोसे खा, चाय समोसे उधर चले गए, रोल 2 घंटे के बाद कुछ और. हाँ. तो ये चीज़ें बस घर में आना, खाना खाना. हाँ. और थर्ड फ्लोर पे मेरी रिहाइश है. अच्छा. नाजमाबाद में. तो फिर खाना खाने के बाद हिम्मत नहीं होती नीचे उतर के वॉक शॉक करने की, वो रूटीन नहीं. आपकी जिंदगी से जो आपको खुशी मिलती है वो खाने से मिलती है? जितनी सारी स्ट्रेस और टेंशन है बिल्कुल, वो बिल्कुल. आप खुशी खाने में तलाश करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल. तो कभी ऐसा होता है कि आप शीशे में देखते हैं और आपको याद आता है, फ्लैशबैक पे जाते हैं, मेरे बाल, मैं दुबला पतला था? नहीं, मैं सोचता हूँ कि नहीं, एक्सरसाइज करूंगा. हाँ. जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता. हाँ. वो एक रूटीन ब्रेक करके ना उससे निकल नहीं सक रहे हैं. वो रूटीन ब्रेक नहीं होता. तो अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, मैं आप लोग कुछ टिप दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात भाई दे सकते हैं. माशाल्लाह. वाजिद भाई भी दे सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जब 16 साल का था, मैं जब से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं एक दिन भी मैं बहुत मुश्किल से छुट्टी करता हूँ. जिस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था उसके दूसरे दिन मेरी ब्राइड थी और मैं सैलून मैंने खोल के दुल्हन तैयार की थी. अच्छा, उसके अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी है, आपके ऊपर उतना ही प्रेशर है. हमारी शादीशुदा नहीं है लेकिन हमें बहुत सारी चीज़, मुझे सैलून को देखना है, मुझे अपने स्टाफ को देखना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, उसके अलावा दोस्त अहबाब, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. अच्छा, स्ट्रेस लेंगे तो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज आप बन जाएंगे. जी जी. तो प्रॉब्लम जो होती है अपने टाइम पे ही सॉल्व होती है, उसको वेट करें कि अपने टाइम पे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें. अच्छा, मुझे क्या होता है, कैसे एंजॉय करें? वो तो खाने से एंजॉय कर रहे हैं ना. देखें, हाँ, खाएं. उनको लगता है कि उनकी जिंदगी की एंजॉयमेंट खाना है. देखें, सबने अपनी अपनी एंजॉयमेंट कुछ ना कुछ. अच्छा, मैं क्या है, मैं काम पूरा करता हूँ अपना, सुबह उठ के अपनी फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद तुम्हारे तो सब पतले हैं, तुम्हारे तो कोई मोटा नहीं. नहीं नहीं, मैं बता दूँ पतला क्यों, मैं बहुत ज्यादा वॉक करता हूँ. अगर मुझे तारिक रोड से आप गुलशन पैदल बोलेंगे तो मैं शायद पैदल आ जाऊंगा. तो वॉक जरूरी है करना आप अपनी जिंदगी में. आप और बहुत सारी चीजें से आप निकल जाते हैं, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आप चलते हैं तो आपकी बहुत सारी, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होती है. मुझे आप क्या कहेंगे टीपू? देखिए, शुरू में तो मुश्किल होती है लेकिन आपको कोई ना कोई वक्त अपने लिए निकालना होगा, वरना जिस सिस्टम पे आप चल रहे हैं, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कोई बैंड बजाएगा और उसके बाद किसी और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे. तो उससे पहले जैसे वाजिद कह रहे हैं, अगर आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो आधा घंटा अपने लिए निकालें जो आपकी फिजिकल और मेंटल बेहतरी के लिए हो, सिर्फ वो आधा घंटा.
कम से कम ये आधा घंटा अपने लिए निकालें। आई एम श्योर आपकी जॉब मुश्किल है, डिमांड्स होती होंगी उस पर टाइम की, लेकिन इतना आपको निकालना पड़ेगा, वरना ये जो आप टाइम लगा रहे हैं इससे ज्यादा टाइम आप अस्पतालों में काट रहे होंगे, अल्लाह ना करे। मैं एक चीज और कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, देखिए मोटापा पतलापा ये सब आपके, लेकिन जब आप पतले होते हैं तो आप अपने आपको एंजॉय कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है आपको जो लोग खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं उनको पेट की जो भूख है वो नहीं, आप दिमाग से ज्यादा खा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको कम्फर्ट ईटिंग जिसको जी वो कहते हैं ना राज के नहीं थक के उठते थक के, तो हाँ। उसमें ये होता है कि वो आप अपने से, मुझे लगता है कि स्ट्रेस मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं मुझे खाना जो है वो कंफर्ट देता था और मैं फिर सो जाती थी, बड़ी गहरी नींद आती है, लेकिन उसके बाद हो ये रहा था कि जब मैं कपड़े या उसमें अपने आप को देखती मैं मुझे एक अजीब सा स्ट्रेस होता था, तो वो खाना जो आप एक्स्ट्रा खाते हैं ना, देखिए मुट्ठी भर अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ आप और एक रोटी की भूख छोड़ दें, इससे तो जिस दिन आप कर लेंगे ना अपने से बदला ना लें, हम लोग बदला लेते हैं खा 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 के क्योंकि वो हमें कंफर्ट देता है, तो थोड़ा सा टाइम निकालें आप, यू कैन डू इट आई थिंक, अगर खाने में हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ चले जाएं, जरूरी नहीं कि आप रोटी चावल खाएं, कुछ दिन आपको बुरा लगेगा लेकिन एक टाइम के बाद अगर रोटी चावल कोशिश खा रहे हैं नॉर्मल खाना, तो एक क्वांटिटी और रोल, ये डीप फ्राइड चीज है उसकी जगह आप फ्रूट वाला है ना उससे दो सेब या थोड़ा सा फ्रूट लेके उसको धो के उसी वो खा लें, वो ज्यादा बेहतर है, रोजा भी तो आप Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirVy Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.